हेलो स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम कन्वेंशनल और जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और जो मेथड्स हैं हमारे वो जो यूज़ करते हैं हम ईल्ड इंक्रीमेंट के लिए मीन्स हाई ईल्डिंग वैरायटी डेवलप करने के लिए एडेप्टेबल वैरायटी स्टेबल वैरायटी डेवलप करने के लिए ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ फॉर एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस और क्वालिटी कैरेक्टर्स इम्प्रूवमेंट के लिए ठीक है तो इन सभी को हम एक एक करके सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करें हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जो भी जितने मेजर प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट कि हम उनको जो एप्लीकेशन है उनकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यानी कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वाइटल डेवलपमेंट उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें क्या है जनरल मेथड्स आ गए आपके स्पेशल मेथड्स आ गए और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट मेथड आ गए इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जनरल मेथड्स में प्लांट इंट्रोडक्शन प्योर लाइन सलेक्शन मास सेलेक्शन पेडिग्री मेथड बल्क मेथड मतलब इसमें क्या है कि ये जनरल मेथड्स हैं जो बहुत टाइम से हमारे यूज़ हो रहे हैं जैसे बैक्रॉस मैथड है एस मेथड क्लोनल सेलेक्शन जो कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में यूज़ होता है हेट्रोसिस ब्रीडिंग मीन्स हाइब्रिड डेवलपमेंट एंड सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटी डेवलपमेंट स्पेशल मेथड्स में जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग हम जब म्यूटाजेंस को यूज़ करके कुछ जेनेटिक चेंजेस क्रिएट करते हैं पॉलीप्लॉयडी ब्रीडिंग ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग एंड मॉलिकुलर ब्रीडिंग ये हमारे इनो इनको हम मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं जो मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेज हैं या प्लान प्लांट ब्रीडिंग मैथड्स हैं ठीक है तीसरे हो गए हमारे पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मेथड इसमें जो रिकरेंट सिलेक्शन डिसरप्टिव सिलेक्शन डायलील मेटिंग सिस्टम और बायपेरेंटल मेटिंग सिस्टम आते हैं तो इन सारे ही मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ा लिटिल बिट डिटेल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मतलब कि जो मेथड्स जिनमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है और वो मेथड जिनमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉसिंग करना जैसे पेरेंट वन और पेरेंट टू के बीच में क्रॉसिंग जैसे जब फॉर एग्जांपल हम पेडिग्री मेथड यूज़ करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले दो पेरेंट सेलेक्ट करते हैं फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट उनके बीच में क्रॉसिंग करते हैं फिर एफ़ वन बनता है एफ़ वन से एफ़ टू बनती है जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है फिर यहाँ से हम सलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है जैसे मास सेलेक्शन है मास सिलेक्शन में कुछ नहीं करना हमें कोई हाइब्रिडाइजेशन कोई क्रॉसिंग नहीं करनी होती है हम क्या करते हैं बड़ी जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन ले लेते हैं और उसको फील्ड पे स्पेस प्लांटिंग कर देते हैं ठीक है उसमें हम फिर डिजायरेबल फिनोटिपिकली जो भी हमें डिज़ायरेबल प्लांट्स नजर आते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो मास सिलेक्शन में कोई हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है जैसे पेडिग्री मेथड है बल्क मेथड है बैक क्रॉस एस एस डी मैथड हेट्रोसिस ब्रीडिंग जब हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं और जो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के मेथड है जैसे रिकरेंट सिलेक्शन हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया ठीक है और मॉलिकुलर ब्रीडिंग जब मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन होता है ठीक है तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है वो सारे मेथड है और दूसरा क्या है इसमें मेथड्स नॉट इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया प्योरलाइन सिलेक्शन मास सेलेक्शन प्रोजेनी सिलेक्शन क्लोनल सेलेक्शन म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग कोई हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये हम दो तरीके से जितने भी प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं चाहे वो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हो चाहे इनोवेटिव और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हो हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं अब जो मेथड्स होते हैं एक बार उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं क्रॉप के ब्रीडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग यानी उसके पॉलीनेशन के अकॉर्डिंग अगर क्रॉप हमारी सेल्फ पॉलीनेटेड है जिनको ऑटोगेमस स्पीसीज भी बोलते हैं उनमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन प्योरलाइन सिलेक्शन मास सिलेक्शन पेडिग्री बल्क एस एस डी बेक्रॉस मैथड और हेट्रोसिस ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग पॉलिप्लोइडी ब्रीडिंग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग ठीक है और जो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट मेथड है चार मेथड इसमें यूज़ करते हैं हम रिकरेंट सिलेक्शन डिस््रप्टिव सिलेक्शन डायली सिलेक्टिव मीटिंग बाईपेरेंटल मीटिंग ये सारे ही हमारे सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप में पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है अब हमारे क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स के लिए एक बार मेथड देख लेते हैं फिर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे मेथड्स को तो क्रॉस पॉलिनेटेड जितने भी क्रॉप्स है जिनको एलोगेमस स्पीशीज़ कहते हैं जैसे कि हमारा मेज है उनमें हम ये सारे मेथड्स यूज करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन मासल एंड प्रोजेनी सिलेक्शन बैक क्रॉस हेड्रॉसिस ब्रीडिंग सिंथेटिक कंपोजिट ये एक ज़्यादातर सिंथेटिक कंपोजिट डेवलपमेंट हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही यूज़ होता है फिर पॉलिप्लोइडी ब्रीडिंग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग मतलब होता है जब हम क्या बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं किसी अनरिलेटेड सोर्स से हम जीन कट करके अपनी प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है म्यूटेशन ब्रीडिंग यहाँ पे कम ही यूज़ होती है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग ज़्यादातर सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप्स में यूज़ होती है बट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं बट रेयरली हम जो हमारी एलोगेमस स्पीशीज़ हैं यानी जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं उनमें यूज़ रेयरली करते हैं बहुत कम करते हैं और जो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के तीन मेथड यहाँ पे यूज़ होते हैं रिकरेंट सिलेक्शन डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और बाई पेरेंटल मेटिंग यहाँ पे जो है आपका डायलिल सेलेक्टिव मेटिंग कम यूज़ होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड में हमारे वो जो हमारा डायलिल मेटिंग है वो भी यूज़ होता है अब जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होते हैं या एसेक्शुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें हम कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं ये सारे मेथड यूज़ करते हैं हम उसके क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए प्लांट इंट्रोडक्शन क्लोनल सिलेक्शन हेट्रोसिस ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग पॉलिप्लोइडी ब्रीडिंग एंड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग तो मास सलेक्शन जनरली यहाँ पे यूज़ नहीं होता है यहाँ पे सिलेक्शन के जो मेथड है उसमें क्लोनल सिलेक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे जो सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप है वहाँ पर प्योरलाइन सलेक्शन यूज़ होता है जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है वहाँ पर मास सलेक्शन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो यहाँ पे वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें क्लोनल सिलेक्शन हम यूज़ करते हैं ठीक है तो ये सारे मेथड हो गए हमारे जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड या एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स है जैसे पोटेटो हो गया है ना शुगर केन हो गया उनके लिए हम ये सारे मेथड यूज़ करते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सारे ब्रीडिंग मेथड्स का कि मतलब डिटेल में डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैथड्स हैं उनके जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट इंट्रोडक्शन है ये हमने बोला कि ये तीनों ग्रुप के लिए अपलिकेबल है सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉस पोलिनेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के लिए एंड इट इज़ एन ओल्डेस्ट एंड रैपिड मैथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट ठीक है ये सबसे पुराना मैथड है ठीक है और प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन इज बेसिकली जब हम किसी जीनोटाइप या किसी वेराइटी को जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सपोज एक वेराइटी है ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा अच्छा परफॉर्म कर रही है एक हमारा नया प्लेस है कोई नए हो सकता है न्यू स्टेट हो या न्यू कंट्री हो वहाँ पे ये वेराइटी ग्रो नहीं होती है, तो हम इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस वैराइटी को और वहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस को असेस करके हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं तो बेसिकली अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें हम कह सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स और वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ प्लेस इन टू न्यू प्लेसिस दे वर नॉट बीन ग्रोन बिफोर ठीक है तो जहाँ पर पहले ग्रो नहीं हो रहा है वहाँ पर हम उसको जाके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उसको एज अ वेरायटी रिलीज कर सकते हैं ठीक है और जो जो इंट्रोड्यूस मटीरियल है उसको हम तीन जो डिफरेंट वेज हैं उनमें यूज कर सकते हैं या तो उसको डायरेक्ट एज अ वेरायटी यूज़ कर सकते हैं कि हमने एक हमारा एरिया था एरिया वन वहाँ से हमने एरिया टू में कोई वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराया और डायरेक्ट उसको एज अ वैरायटी रिलीज़ कर दिया हम उसको एज अ वैरायटी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन मतलब कि हमने ये जो वैरायटी वी वन थी इसको हमने एरिया वन से एरिया टू में इंट्रोड्यूस कराया एक दो साल इसको इवेलुएट किया इसकी परफॉर्मेंस को अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिलीज़ कर दिया एरिया टू में एज अ वेरायटी तो दो तरीके हो गए तीसरा हम इसको एज अ पेरेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी और हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं मतलब जो हमने न्यू एरिया में कोई वैरायटी सपोज़ वैरायटी बन है इसको एरिया वन से एरिया टू में या स्टेट वन से स्टेट टू में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर इस वैराइटी को हम एज अ पेरेंट हम यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में क्रॉसिंग प्रोग्राम में कोई एफ हाइब्रिड बनाने के लिए या कोई न्यू वेरायटी डेवलपमेंट के लिए ठीक है नेक्स्ट प्लांट इंट्रोडक्शन पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दूसरा जो हमारा है प्योरलाइन सिलेक्शन मेथड है प्योरलाइन सिलेक्शन हमारा सिर्फ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में यूज होता है जितनी भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं जैसे वीट है राइस है बाड़ले है ठीक है प्योर लाइन होता क्या है बेसिकली अ प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलीनेटेड प्लांट ठीक है तो बेसिकली एक सिंगल प्लांट की जो होमोजाइगस हो या तो कैपिटल ए कैपिटल ए हो या तो स्मॉल ए स्मॉल ए हो इसकी जितनी भी प्रोजेनी होंगी वो क्या कहलाएगी इसकी प्योर लाइन कहलाएगी ठीक है बिकॉज वो सिर्फ इसी से बनी है ना इसके सेल्फ पोलिशन से वो बनी है इसलिए हम इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट सो बेसिकली एक सिंगल जो प्योर लाइन है वो उसको हम एज अ वेरायटी रिलीज करते हैं जब प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड यूज़ करते हैं और जो वेराइटी रिलीज़ होती है जो इसमें प्योरलाइन वेराइटीज़ होती है वो बेसिकली होमोजाइगस और होमोजीनियस होती है क्यों होती है बिकॉज एक प्लांट है सपोज ये कैपिटल ए कैपिटल ए टाइप का है होमोजाइगस होना चाहिए ना इन्होंने बोला सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इसकी जितनी प्रोजनी होंगी वो सारे ही कैपिटल ए कैपिटल ए टाइप की होंगी ठीक है बिकॉज इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जितने प्लांट बनेंगे ऑल विल बी कैपिटल ए कैपिटल ए टाइप तो होमोजाइगस है पॉपुलेशन होम कैपिटल कैपिटल टाइप है और होमोजीनियस है होमोजीनियस का मतलब होता है जब एक पॉपुलेशन में जितने भी प्लांट हैं उनका सबका जीनोटाइप सेम हो तब इस पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं तो जितने भी प्योरलाइन वेराइटीज होती हैं वो जनरली होमोजाइगस एंड होमोजीनियस ही होती हैं ठीक है थर्ड जो मेथड है हमारा वो है मास सिलेक्शन तो बेसिकली मास सिलेक्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादातर यूज़ होता है और रेयरली ये सेल्फ पॉलिनेटेड और एसेक्शली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में यूज़ होता है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग स्कीम फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ठीक है ये सबसे पुराना मेथड है इस मेथड का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइप तो बेसिकली क्या करते हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन लेते हैं ठीक है उसको स्पेस प्लांटिंग कर देते हैं उसकी फील्ड पे और अब यहाँ से कुछ जो सेवरल फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स हैं जो भी आपने सारे मान लो एक हज़ार प्लांट आपने प्लांट कर दिए फील्ड पे स्पेसिंग के साथ में अब आप देखोगे फिनोटिपिकली प्लांट्स को जाके फील्ड पे जो भी प्लांट आपको लगता है कि ये प्लांट सुपीरियर है ठीक है मतलब अच्छी ईल्ड दे रहा है उसमें कोई डिजीज़ नहीं लगी है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे और उसी के जैसे सिमिलर लुकिंग आप बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट करोगे जनरली हंड्रेड टू टू हंड्रेड प्लांट्स सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे और फिर उनको नेक्स्ट जन उनका सीड मिक्स कर दोगे सारों सारे प्लांट्स का और नेक्स्ट जनरेशन में उनको प्लांट करोगे और उसका इवेलुएशन करोगे ठीक है तो ये बेसिकली इसमें जो सिलेक्शन होता है माँ सिलेक्शन में वो क्या होता है फिनोटिपिक सिलेक्शन होता है सिलेक्टेड प्लांट्स आर अलाउड टू ओपन पॉलीनेट मतलब उनमें ओपनली क्रॉस पॉलीनेशन होता है और जो भी सीड उन पर लगता है उसको आप हार्वेस्ट करके बल्क कर लेते हो एक साथ मिला लेते हो टू रेज द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में उसको प्लांट करने के लिए ठीक है तो बेसिकली इसमें बस ये ध्यान रखना है मास सिलेक्शन में जो भी सिलेक्शन होगा वो फिनोटाइप के बेस पे होगा और इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है हम सबसे पहले एक जेनेटिकली वेरिएबल एक बड़ी सी पॉपुलेशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के जीनोटाइप हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के प्लांट हैं उनको फील्ड पर प्लांट कर लेंगे फिनोटिपिकली कुछ जो भी डिजायरेबल प्लांट्स हैं एक जैसे दिखते हुए सिमिलर लुक के उनको सेलेक्ट कर लेंगे उनका सीड हार्वेस्ट करके एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर नेक्स्ट जनरेशन में हम फिर से फील्ड पे प्लांट करेंगे ठीक है अब अगर ये इसको इवेलुएट करेंगे चेक वेराइटी के साथ में अगर ये चेक वैरायटी से अच्छा परफॉर्म करता है तो इसको एज अ वेरायटी एज अ मास सेलेक्टेड वेराइटी हम रिलीज़ कर देते हैं ठीक है दिस इज़ मास सेलेक्शन नेक्स्ट जो है हमारा क्लोनल सिलेक्शन बेसिकली क्लोनल सिलेक्शन एसेक्शुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में ही यूज़ होता है तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं एक मिक्स्ड पॉपुलेशन लेते हैं उसको फील्ड पे प्लांट कर देते हैं उसमें से कुछ जो डिज़ायरेबल प्लांट हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे ये भी मास सलेक्शन जैसा ही है बट इसमें क्या है इसमें क्लोन्स होते हैं क्योंकि क्लोन क्या है बेसिकली जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होते हैं उनमें जितने भी प्लांट्स होते हैं हम क्या करते हैं उनको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं यानी एक ही अब मान लो एक शुगर केन है उससे हम ऐसे सेट कट करेंगे और उससे अग, उसको जब प्लांट करेंगे तो उनसे जितने भी हमारे न्यू शुगर केन प्लांट निकलेंगे वो सारे की इस प्लांट के क्लोन होंगे बिल्कुल उनका जीनोटाइप इस मदर प्लांट के जैसा ही होगा ठीक है तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हम एक मिक्स्ड वेरिएबल पॉपुलेशन क्लोन्स की हम प्लांट कर देते हैं फील्ड पे उनमें से जो भी डिज़ायरेबल हमें नजर आते हैं कि ये हमारे अच्छे क्लोन्स हैं सुपीरियर क्लोन्स हैं फिनोटिपिकली मतलब बाहर से देख के उनको सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में फिर हमारे जो सिलेक्टेड क्लोन्स हैं उनको अलग अलग हम क्या करते हैं सेपरेटली उनको ग्रो करते हैं अलग अलग लाइनों में जैसे पहला आपने क्लोन सेलेक्ट किया था उसका जितने भी होंगे उसको एक उसमें लाइन में लगा दोगे दूसरा आगे जो सेलेक्ट किया है उसको दूसरी लाइन में ऐसे करके आप उनको सेपरेटली ग्रो करोगे और इनमें से जो भी बेस्ट प्रोजेनी है ठीक है जो भी बेस्ट प्रोजेनी है उसको एज अ वेरायटी रिलीज़ किया जाता है आफ्टर इवेल्यूशन ठीक है ट्रायल्स होंगे हमारे जो जितने भी हमारे प्रेलिमिनरी ईल ट्रायल होते हैं मल्टी लोकेशन ईल ट्रायल होते हैं आफ्टर ट्रायल्स जो भी सबसे बेस्ट सिंगल क्लोन होगा इट कैन बी रिलीज एज अ वेरायटी पेडिग्री मैथड बेसिकली पेडिग्री मैथड हमारा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप्स में यूज़ होता है ठीक है इस मेथड में हम क्या करते हैं जैसे हमने पहले बताया था कि ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड है पी वन पी टू हम दो पेरेंट हम सेलेक्ट करते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करके हम एफ वन बनाते हैं फिर एफ वन में सेल्फ पॉलिनेशन से क्या बनती है एफ़ टू पॉपुलेशन बनती है अब एफ़ टू पॉपुलेशन में हम जितने भी प्लांट होंगे उनको स्पेस प्लांटिंग कर लेंगे ठीक है अब यहाँ से क्या करते हैं एफ टू से ही इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्शन शुरू कर देते हैं जो भी हमें लगेगा कि ये प्लांट बेस्ट हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे और अगली जनरेशन में हम उनके सिंगल सिंगल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करेंगे तो इसलिए हमने बोला कि जो भी पेडिग्री मेथड है पेडिग्री मेथड में इंडिविजुअल प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं एफ टू और उसकी बाद की जो जनरेशन है सब्सिक्वेंट जनरेशन होता है उसके बाद की जनरेशन यानी एफ टू के बाद एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव जितनी भी जनरेशन आएंगी इनकी प्रोजेनीज को ग्रो करेंगे और उनमें सेलेक्शन करेंगे ठीक है एंड अ पेडिगरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग रिलेशनशिप इज़ मेनटेन तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेडिगरी मैथड में जो एक पेडिगरी रिकॉर्ड एक रजिस्टर मेनटेन करते हैं हम जिसमें जितने भी हमने प्लांट सेलेक्ट किए उनके पेरेंट कौन थे उन सब के बारे में डिटेल में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं ठीक है और बेसिकली यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पेडिगरी मैथड होता है उसमें जो भी एक बेस्ट हो जाएगा स्लाइन लास्ट में बचती है उसको एज अ वेराइटी रिलीज़ किया जाता है और इस मेथड में भी जो वेराइटी रिलीज़ होती है लास्ट में वो होमोजाइगस और होमोजीनियस टाइप की पॉपुलेशन होती है पेडिग्री मेथड को हम वेराइटल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं सेल्फ पोलिनेटिड क्रॉप में और क्रॉस पोलिनेटिड क्रॉप में जो इनब्रिड लाइन डेवलपमेंट है इनब्रिड लाइन होती है हमारी जिनको हम एज अ पेरेंट लाइन यूज़ करते हैं अपने एफ़ वन हाईब्रिड यानी हाइब्रिड डेवलप करने के लिए उन लाइनों को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पेडिग्री मेथड यूज़ करते हैं और जो बल्क और एसएसडी मेथड है ये हमारे ज़्यादातर सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप में यूज़ होते हैं ठीक है जो बल्क मेथड होता है इसमें हम जैसे हमने वहाँ पे बताया पेडिग्री मेथड में कि एफ टू से हम क्या करेंगे सिंगल प्लांट सिलेक्शन शुरू करेंगे बल्क मेथड में कोई सिंगल प्लांट सिलेक्शन नहीं करना है जितने भी एफ टू में प्लांट आएंगे ठीक है एफ एफ टू तक सब सेम रहेगा जैसे पेडिग्री मेथड में मैंने बताया एफ टू में जितने प्लांट आएंगे उनको आपको सारों को बल्क में हारवेस्ट कर लेना है कुछ नहीं करना है उनको सबको हारवेस्ट करना है एफ़ थ्री में सारों को फील्ड पे प्लांट कर देना है ठीक है फिर F3 से जितने भी प्लांट आएंगे उनको ए, एक साथ हार्वेस्ट कर लेना है जब वो मेच्योर हो जाएंगे फिर F F4 में प्लांट कर देना है ठीक है ऐसे करके आपको F6 तक ऐसे ही प्लांट करना है हार्वेस्टिंग बल्क में करके नेक्स्ट जनरेशन प्लांट करनी है F6 के बाद हम क्या करेंगे ये एंड है बल्किंग पीरियड का अब इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्ट करेंगे और उनको ट्रायल्स में फर्दर इवेलुएट करेंगे ठीक है एस एस डी मैथड इसका मॉडिफिकेशन है जैसे यहाँ पे हमने क्या किया एफ टू से सारे प्लांट्स को बल्क में हार्वेस्ट कर लिया है ना बल्क मेथड में हमने यही तो किया जितने भी प्लांट्स थे हमारे एफ टू में हमने प्लांट किया था उन सारों को बल्क में हार्वेस्ट करके हमने क्या कर दिया एफ थ्री में उनको प्लांट कर दिया ठीक है बट एस एस डी में हम क्या करते हैं हर एक प्लांट से एक एक सिंगल सीड सेलेक्ट करते हैं जितने भी हमारे प्लांट हैं मान लो यहाँ पे सौ प्लांट हैं एफ टू में हर एक सौ प्लांट से एक सिंगल सिंगल सीड हमें सेलेक्ट करना है उस सिंगल सिंगल सीड को मिक्स करना है एक साथ और उससे नेक्स्ट जनरेशन प्लांट करनी है तो ये मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड का इसमें सारे सीड को मिक्स नहीं करना है हर एक प्लांट से एफ़ टू में जितने भी प्लांट हैं उनसे एक एक सीड सेलेक्ट करके एफ थ्री में प्लांट करना है फिर सिमिलरली एफ थ्री और उसके बाद की जनरेशन में भी हर एक प्लांट से एक सिंगल सीड सेलेक्ट करेंगे उन सारे सीड को बल्क कर देंगे मान लो सौ प्लांट थे तो सौ से सौ सीड आपको बेस्ट सबसे सीड आप जो जो भी आपको बेस्ट लगते हैं वो सीड आप सेलेक्ट कर लोगे हर एक प्लांट से एक एक सीड तो सौ प्लांट है तो आपके पास सौ सीड आ जाएंगे उन सौ सीड को एक साथ मिक्स करोगे और नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट कर दोगे ठीक है और लास्ट में जब हमारा ये एफ एफ नाइन एफ टेन तक पहुंच जाएगा तब हम उसके क्या करेंगे उसका फर्दर इवेलुएशन करेंगे जो 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 प्रेलिमिनरी ईल ट्रायल होते हैं और मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल होते हैं चेक वेराइटी के साथ में तो चेक वेराइटी से अगर वो सुपीरियर होंगे तो हम उसको एज अ वेरायटी रिलीज़ कर सकते हैं बैक्रॉस मेथड बेसिकली हम तीनों जो हमारे ग्रुप हैं उनमें एप्लीकेबल होता है और जो बैकरॉस मेथड है बेसिकली ये जो ओलिगोजेनिक या पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के काम आता है मतलब अगर कोई कैरेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है डिजीज़ रेजिस्टेंस मान लो डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन है ठीक है आपकी वेराइटी है ठीक है वेराइटी वन है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इसकी इल्ड भी अच्छी है क्वालिटी भी अच्छी है बट ये कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है दिस वेरायटी इज ससेप्टेबल इसमें डिज़ीज़ लगती है तो आप किसी डोनर प्लांट से ठीक है किसी डोनर प्लांट से जिसमें वो डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन हो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी वेराइटी में बेकरॉस मेथड की हेल्प से तो इस वैरायटी में कोई चेंज नहीं आएगा बस जो ससेप्टेबिलिटी का जीन है उसको कौन रिप्लेस कर देगा उसको रेजिस्टेंस का जीन रिप्लेस कर देगा ठीक है तो बैक्रॉस मेथड की सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी एप्लीकेबिलिटी है वो यही है कि अगर आपकी कोई वैरायटी है बहुत ही अच्छी एग्रोनॉमिक वैरायटी है अच्छा परफॉर्म कर रही है ईल्ड भी अच्छी है बट उसमें टाइम के साथ कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट आ गया है तो उस स्पेसिफिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो बैक्रॉस मैथड यूज़ कर सकते हो ठीक है मल्टी लाइन वेराइटीज़ बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं जो बहुत सारी आइसोजेनिक लाइन्स होती हैं हमारी उनको मिक्स करके हम मल्टी लाइन वेराइटी हम डेवलप करते हैं मतलब बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं सपोज ये लाइन है इसमें आर वन जीन है रेजिस्टेंस का ये जो वेरायटी इसमें आर टू जीन है ये ये जो हम लाइन है सॉरी ये लाइन है तीसरी इसमें आर थ्री जीन है ठीक है ये जो चौथी लाइन है इसमें आर फोर जीन है ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जीन है इनमें तो अगर हम इनको एक साथ मिक्स कर दें तो जो पॉपुलेशन बनेगी उसमें जितने प्लांट होंगे उनमें सारे जीन आपके रेजिस्टेंस uh, के जीन आ जाएंगे तो बेसिकली मल्टीलाइन लाइन वेराइटीज़ हमारी होमोजीनियस और होमोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होती हैं ठीक है ठीके? और इनको मिक्स करके कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट आइसोजेनिक लाइंस होती हैं जिनमें डिफरेंट हमारे जीन है जनरली रेजिस्टेंस के जीन होते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस के जीन या इंसेक्ट पेस रेजिस्टेंस के जीन उनको मिक्स करके हम इनको बनाते हैं हेट्रोसिस ब्रीडिंग बेसिकली हमारे क्या है क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स में ज्यादा कॉमन होती है यानी हाइब्रिड डेवलपमेंट हम सबको पता है कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में हम ज़्यादा होता है ठीक है और जो एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें भी होता है बिकॉज जनरली जो एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप है वो हाईली क्रॉस पोलिनेटिड होती हैं जैसे हमारा शुगर केन है वो हाईली क्रॉस पॉलीनेटेड है और वो ए सेक्शुअली प्रोपोगेट होता है तो बेसिकली उनमें हाइब्रिड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और हाइब्रिड डेवलपमेंट में हमारा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डबल क्रॉस हाइब्रिड थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड टॉप क्रॉस हाइब्रिड बहुत सारे टाइप के हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं ठीक है सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज़ भी हमारे क्या है कॉमन है क्रॉस पॉलीनेटिड क्रॉप में इनको ज़्यादातर हम मोस्टली जो हमारी क्रॉस पॉलीनेट क्रॉप्स हैं उनमें हम डेवलप करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग अब हमारे क्या है जो इनो मॉडर्न अप्रोचेज हैं इनोवेटिव अप्रोचेज जिनको कह सकते हैं जैसे म्यूटेंट म्यूटेशन ब्रीडिंग पॉलिप्लोइडी ब्रीडिंग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हम इनको डिस्कस करेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग बेसिकली क्या है जब हम कोई जेनेटिक चेंज लाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर विद दी हेल्प ऑफ म्यूटाजन यानी कोई केमिकल है या फिजिकल एजेंट है जैसे मान लो एक्सरे की हेल्प से या गामा रेज की हेल्प से या तो जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट है है ना ई जिसको बोलते हैं है ना या कोलचिसीन के ट्रीटमेंट से एक जो हमारे प्लांट है जब उसमें कोई जेनेटिक चेंजेस हम लेके आते हैं तब उसको क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं और जब हम इसको हम किसी क्रॉप के पर्टिकुलर डिफेक्ट को दूर करने के लिए या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हम इम्प्रूव करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग पॉलिप्लोइडी ब्रीडिंग बेसिकली जो जब क्रोमोजोम नंबर को हम इंक्रीज़ करते हैं ठीक है ठीके? क्रोमोजोम नंबर यानी सपोज़ डबल कर दिया आपने एक डिप्लोइडी स्पीशीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है डिप्लोइड स्पीशीज है इसका टू एन इज इक्वल टू है आपका ट्वेल्व तो आपने इसको डबल कर दिया इसका ये डिप्लोइड था अब टू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टेट हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू हमारा ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो आप क्रोमोजोम नंबर को डबल कर देते हो ठीक है तब इसको क्या बोलते हैं या उसमें से कोई एक क्रोमोजोम एलिमिनेट कर दिया या सिर्फ एक ही क्रोमोजोम इंक्रीज कर दिया तो ये हमारा क्या है इसको हम बोलते हैं पोलीप्लोइडी ब्रीडिंग जनरली पॉलीप्लोइडी से भी हमारे बहुत सारे कैरेक्टर डेवलप हुए हैं जैसे जो जनरली uh, जो ट्रिप्लोइड होते हैं ट्रिप्लोइड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं दे आर मेल स्टेराइल स्टेराइल होते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं सीडलेस हो जाते हैं उनमें सीड नहीं बनता है जैसे सीडलेस वाटर मिलन इसका एग्ज़ाम्पल है सीडलेस बनाना इसका एग्जाम्पल है तो बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर हमारे पोलिप्लोइडी ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव हुए हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जब हम बिल्कुल अनरिलेटेड पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करते हैं जेनेटिकली अनरिलेटेड पेरेंट्स के बीच में ठीक है तब उसको क्या बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जैसे मान लो इंटर जेनेरिक क्रॉस है वो एग्जाम्पल है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का जब दो डिफरेंट जीनस के बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं जैसे जो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है ट्रिटिकेल है ट्रिटिकम जीनस जो भीट है ट्रिटिकम जीनस ठीक है ट्रिटिकम ए को ट्रिटिकम जो जीनस है उसको क्रॉस किया गया है हमारा जो राई है भीट का और राई का क्रॉस ठीक है जो हमारा क्या है एक डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट होते हैं जब हम उनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेसिकली डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन यूज़ किया जाता है जब हम मान लो कोई हमारी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं किसी वाइल्ड स्पीशीज से उसको क्रॉस कराएं और वहाँ से कोई जीन ट्रांसफर करें तब इस तरीके के जो क्रॉसिंग होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग बेसिकली जो ट्रांसजेनिक वेराइटी डेवलपमेंट है विद दी हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ही अनरिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन का एग्जाम्पल है ना हाँ कॉटन में जीन ट्रांसफर किया कहाँ से बैक्टीरिया से तो जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड है जैसे क्रॉस मेथड हो गया पेडिग्री मेथड हो गया उनकी हेल्प से तो हम क्रॉसिंग नहीं कर सकते बिकॉज कॉटन प्लांट और बैक्टीरिया क्रॉसिंग तो पॉसिबल नहीं है क्रॉसिंग के थ्रू हम यहाँ से जीन ट्रांसफर नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हम जो पर्टिकुलर जीन है उसको कट करके हमने कॉटन में ट्रांसफर कर दिया विद दी हेल्प ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है ठीक है टेक्निक है इस तरीके से जो ब्रीडिंग होती है जब हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट तब उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग और जो रिकरेंट सेलेक्शन है बेसिकली ये पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में यूज़ किया जाता है ठीक है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादातर यूज़ होता है और जो अदर अप्रोचेज़ है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के जैसे डिस्ट्रप्टिव ब्रीडिंग डिस्ट्रप्टिव मेटिंग हो गया डायलिल मेटिंग हो गया बाईपेरेंटल मेटिंग हो गया इनको भी हम क्या कहें पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे जितने भी प्लांट ब्रीडिंग मेथड है और ये जितने मेथड हमने डिस्कस किए हैं अभी तक डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में इन सब को हम यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए एडेप्टेबिलिटी इंक्रीजमेंट के लिए किसी क्रॉप वेराइटी की स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड है उसका जो यूज़ है हमारा वो डिपेंड करता है कि क्रॉप का जो ब्रीडिंग बिहेवियर है वो कैसा है तो यानी वो सेल्फ पॉलीनेटेड है क्रॉस पोलीटेड है या वेजिटेटिवली प्रोपोटेड है उसके अकॉर्डिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं हम या तो हम सेलेक्ट करते हैं जो मेथड है उसमें जो उसका जीनोटाइप कैसा है प्लांट का ठीक है अब एडेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को एक बार डिफाइन हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि है क्या एडेप्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट मतलब कि जो दो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट वन और इन्वायरमेंट टू ठीक है सपोज़ ये जो इन्वायरमेंट वन है यहाँ पे क्या है जो टेम्परेचर है वो क्या है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इन्वामेंट टू इससे डिफरेंट है तो जब हमारा प्लांट है यहाँ पे भी हमारा कुछ एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दे रहा है उसी का सिमिलर फिनोटाइप हमें यहाँ देखने को मिले यानी कि अगर ये वैरायटी वी वन हमने इस इन्वायरमेंट में प्लांट की ये हमें क्या कर रही है ग्रीन कलर की लीफ दे रही है ठीक है तो यहाँ पे भी वो सेम ग्रीन कलर की लीफ मिले अगर लीफ की जो लेंथ है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हमें ट्वेल्व सेंटीमीटर देखने को मिले यानी कि फिनोटाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा हो यानी कि वो एडेप्टेबल है वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को वो एडेप्ट कर लेती है ठीक है और ये होता है किसकी वजह से जेनेटिक होम्यो की वजह से होता है जिसकी वजह से बफरिंग कैपेसिटी आ जाती है जीनोटाइप में टू इन्वायरमेंटल फ्लैक्चुएशन मतलब कि अगर वो जीनोटाइप में होम्योस्टेसिस है ज़्यादा यानी वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है अपने आप में चेंजेस कर लेता है और सेम ही फिनोटाइप हमें देता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी इज़ रेफर्स टू अ जीनोटाइप्स परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्टिव चेंजेस इन रिस्पेक्टिव चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर ओवर टाइम विद इन अ गिवन लोकेशन तो एक ही लोकेशन में अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा प्लांट स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है तब उसको क्या बोलते हैं हम स्टेबिलिटी बोलते हैं डिफरेंट ब्रीडिंग मैथड्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस तो डिजीज़ रेजिस्टेंस तो, के लिए हम जनरली ये सारे मेथड यूज़ करते हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारी अबो स्लाइड्स थी इंट्रोडक्शन सलेक्शन हाइब्राइजेशन जैसे बैक्रॉस मैथड और डिस्टेंट हाइब्रडाइजेशन हो गया बडिंग राफ्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है क्रॉप्स में म्यूटेशन ब्रीडिंग और जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज है वो हम कर सकते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए भी हम जो इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं सिलेक्शन यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग हम ये सारे मेथड म्यूटेशन ब्रीडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं जो ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस है तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंसेक्ट रेजिस्टेंस और जो हमारे डिजीज रेजिस्टेंस है यानी जो बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस है या बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस है उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके डिटेल में आप वो हमारा जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं